नमस्कार सभी को। आज हम लोग राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में बात करेंगे। इस समय भारत में राष्ट्रपति चुनाव का तैयारी चल रहा है। यह भारत में 16वां राष्ट्रपति पद का चुनाव होगा। 29 जून को नामांकन, 18 जुलाई को मतदान और 21 जुलाई को नतीजा आएंगे। 21 जुलाई में नतीजा आने के बाद हम लोग को पता चलेगा भारत का नया राष्ट्रपति कौन बनेगा। दरअसल भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को खत्म होने वाला है और भारतीय संविधान के अनुसार कार्यकाल खत्म होने से पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है। इसलिए इस साल राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होगा। राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार पद के लिए कई नामों में चर्चा हुआ, जिसमें मुख्य रूप से शरद पवार, नीतीश कुमार, मायावती, आरिफ मोहम्मद खान तथा कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नामों पर चर्चा हुई। लेकिन अब सत्ताधारी बीजेपी गठबंधन वाली एनडीए और विपक्ष ने अपने अपने राष्ट्रपति उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। एनडीए ने इस बार झारखंड के पूर्व राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को तथा विपक्षी पार्टियों ने मिलकर यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए अपना अपना उम्मीदवार बनाया। अब इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट शुरू होगा। अब हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग तो होती है, लेकिन इसमें आम लोग भाग नहीं लेते और इसमें मशीन का भी प्रयोग नहीं होता। दरअसल राष्ट्रपति पद का चुनाव इलेक्ट्रोल कॉलेज के आधार पर किया जाता है या इलेक्ट्रोल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। अब ये जानना आवश्यक है कि इलेक्ट्रोल कॉलेज के सदस्य कौन होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन देते हैं। जो सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट देते हैं वो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के एमपी और प्रत्येक राज्य के विधानसभा के एमएलए, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के एमपी और हर राज्य के विधानसभा के एमएलए इसमें वोट देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में एमएलसी के सदस्य अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद, भारत में जिन जिन राज्यों में द्वि सदनीय विधानसभा है उनमें से विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते तथा जो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोनीत होते हैं वे भी इसमें भाग नहीं लेते। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सभी सदस्य के वोट का वैल्यू सेम नहीं होता। जैसे हम लोग एमपी इलेक्शन या एमएलए इलेक्शन में वोट देते हैं तो सभी के वोट का वैल्यू सेम होता है, अर्थात एक होता है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में सभी का वोट का वैल्यू सेम नहीं होता है। हाँ, जितने भी एमपी है उन सभी का वोट का वैल्यू सेम होता है, लेकिन जितने एमएलए है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सभी का वोट का वैल्यू सेम नहीं होता। इस बार के चुनाव में हर एक सांसद सदस्य अर्थात हर एक एमपी सदस्य के वोट का वैल्यू 700 रखा गया है, लेकिन विधानसभा के सदस्य के वोट का वैल्यू उनके राज्य के जनसंख्या अर्थात आबादी के ऊपर निर्भर करता है। जो राज्य का जनसंख्या ज्यादा होता है उन राज्यों के एमएलए के वोट का वैल्यू ज्यादा होता है और जिन राज्य का जनसंख्या कम होता है उन राज्य से आने वाले एमएलए का वोट का वैल्यू कम होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में हर एक विधानसभा सदस्य अर्थात हर एक एमएलए के वोट का वैल्यू 208 होता है, मिजोरम में वही हर एक एमएलए के वोट का वैल्यू 8 होता है, वहीं तमिलनाडु में हर एक एमएलए के वोट का वैल्यू 176 होता है, अर्थात हर एक एमएलए के वोट का वैल्यू उनके जिस राज्य से वे आते हैं वहां पर जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात सभी एमपी के वोट का वैल्यू सेम होता है जो इस साल 700 रखा गया है, लेकिन सभी एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य का वैल्यू उन वो जो राज्य से आते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। यदि वे किसी बड़े राज्य अर्थात ऐसे राज्य से आते हैं जहां ज्यादा जनसंख्या है तो उनके वोट का वैल्यू ज्यादा होता है, और वे ऐसे राज्य से आते हैं जहां जनसंख्या कम है तो उनका वोट का वैल्यू कम होता है, अर्थात एमएलए के वोट का वैल्यू वे जिस राज्य से आते हैं उस राज्य में मौजूद जनसंख्या के नंबर के द्वारा तय किया जाता है। इस साल के चुनाव में इलेक्ट्रोल कॉलेज की कुल सदस्यों की संख्या 4809 रहेगा, अर्थात इस साल के चुनाव में भाग लेने वाले सभी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 4809 रहेगा। इलेक्ट्रोल कॉलेज के 4809 सदस्य में 776 सदस्य सांसद अर्थात एमपी रहेंगे। 776 सांसद में 543 सांसद लोकसभा के होंगे और 233 सांसद राज्यसभा के होंगे।
और देश के सभी राज्य के विधानसभाओं को मिलाकर कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या 4033 होगा। सांसद सदस्य के वोटों का कुल वेटेज 5,43,200 रहेगा। विधानसभा सदस्य के वोटों का कुल वेटेज 5,43,231 रहेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉल कॉलेज में शामिल सभी सदस्य के वोटों का कुल वेटेज इस बार 10,86,431 रहेगा। अब देखिए, कुल वेटेज 10,86,431 वाले इलेक्ट्रॉल कॉलेज में बीजेपी और उनके साथी दल अर्थात एनडीए का वोट 50% से भी कम है, अर्थात विपक्ष के पास इलेक्ट्रॉल कॉलेज के 50% से भी ज्यादा वोट है। अगर पूरा विपक्ष एक रहेगा तो राष्ट्रपति उन्हीं के अनुसार बनेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है क्योंकि भारत में विपक्षी दलों की संख्या बहुत बड़ा है और इतने सभी संख्याओं को सभी दलों को एक साथ रखना नामुमकिन लग रहा है, इसलिए विपक्षी दल के अनुसार राष्ट्रपति बनते हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अगर एक दो विपक्षी दल भी बीजेपी अर्थात एनडीए की ओर चला जाता है तो राष्ट्रपति एनडीए के अनुसार बनेगा, अर्थात राष्ट्रपति उम्मीदवार जो एनडीए दिए हैं अर्थात द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाएंगे, क्योंकि बीजेपी अगर एक दो विपक्षी दल जैसे बड़े दल जो हैं वाईएसआर कांग्रेस हैं या बीजेडी बीजू जनता दल या झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन दलों में से कोई एक दो दल को भी अपने तरफ अगर कर लेती है तो उनके उम्मीदवार को जीत मिल जाएगी, तो द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनने का चांस सबसे ज्यादा है। हालांकि यशवंत सिन्हा का भी चांस कम नहीं है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि पूरा विपक्ष एक नहीं रह पाएगा और बीजेपी के साथ अगर एक दो विपक्षी दल भी चल जाएगा तो राष्ट्रपति एनडीए का ही बनेगा, अर्थात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही बनेंगे। लग ऐसे रहा है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ही भारत के अगले राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन रिजल्ट के पहले कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए इंतजार रहेगा 21 जुलाई को जब भारत को अपना अगला राष्ट्रपति मिल जाएगा। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। सी यू ऑल टुमारो।